नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल घनश्याम टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों एक बार फिर से मैं YouTube का धन्यवाद करना चाहूँगा कि YouTube ने मेरे चैनल को जो बैन किया था 2 दिनों के लिए, उन्होंने मेरे चैनल को चालू कर दिया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ YouTube का कि मैंने उनकी किसी कम्युनिटी गाइडलाइन को ब्रेक नहीं किया था, इसलिए उन्होंने मेरे चैनल को चालू कर दिया। तो दोस्तों इसलिए बीच में कुछ वीडियो नहीं आई हैं। दोस्तों देखिए, या आपने बीच में मेरे वीडियो मेरे चैनल को ओपन किया होगा तो आपको ये बैन का मैसेज आ रहा होगा कि ये चैनल बैन हो चुका है। दोस्तों देखिए, आज की हमारी कैंडल है वो है इवनिंग स्टार, यानी जो आपने पिछली कैंडल देखी थी वो मॉर्निंग स्टार थी। अगर आपने अभी तक मॉर्निंग स्टार को नहीं देखा है दोस्तों, तो मॉर्निंग स्टार को देख लीजिए। अगली हमारी आज की कैंडल है वो है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार भी मॉर्निंग स्टार की तरह ही 3 कैंडल का पैटर्न है, यानी जब 3 कैंडल मिलती हैं तब जाके इवनिंग स्टार बनता है। यानी एक और इवनिंग स्टार हमेशा अपट्रेंड में बनेगा, अपट्रेंड में बनेगा और टॉप पे बनेगा इवनिंग स्टार। देखिए 3 कैंडल को मिला के इवनिंग स्टार रहता है, तो हम एक कैंडल को इवनिंग स्टार नहीं बोलते हैं। एक बड़ी थी रेड कैंडल, उसके सॉरी इवनिंग स्टार है, तो एक बड़ी थी ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक छोटी कैंडल। वो कैंडल ग्रीन हो रेड हो उससे मतलब नहीं है, छोटी सी ग्रीन कैंडल उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल। यानी जो इवनिंग स्टार बनेगा वो हमेशा अपट्रेंड में बनेगा, और अप ट्रेंड जिसे नाम से ही पता चल रहा है आपको कि इवनिंग स्टार यानी शाम का तारा। तो यानी अब जो स्टॉक में तेजी करने वाले ट्रेडर थे वो खत्म हो रहे, अब मंदी करने वाले लोग आ जाएंगे। तो मतलब अब तेजी की जो उजाला था वो खत्म हो रहा, अब स्टॉक अंधेरे में आ रहा है यानी मंदी के ट्रेंड में आ रहा, तो हम उसके बोलते हैं इवनिंग स्टार। ये 3 कैंडल का पैटर्न है। तो चलिए हम इसको अब चार्ट पे देखेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे दिखती है, कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है अपने ट्रेडिंग में, कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ, आप चीज़ों को कंटिन्यू कीजिए, आप चीज़ों को जज कीजिए, अपनी आंखों को ट्रेंड कीजिए कैंडल को पहचानने के लिए, किस सपोर्ट लेवल के पास में है, रेजिस्टेंस लेवल के पास में है। आगे मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। जैसे कैंडल स्टिक खत्म होगा उस पैटर्न के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैंडल स्टिक का सही इस्तेमाल कैसे करना है। अभी मैं आपको कैंडल स्टिक बता रहा हूँ कि कैंडल स्टिक क्या है, इसका इस कैंडल के बारे के पर्टिकुलर एक कैंडल के बारे में क्या बिहेवियर है उस कैंडल का। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सही डिसीजन कैंडल स्टिक पे आप कैसे ले सकते हैं। तो आप मेरे वीडियो को कंटिन्यू दोस्तों देखते रहिए, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज वाली बातें ही मैं बताऊंगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करते जाइए, बस वही मेरे लिए है। आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर करते जाइए, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर भी करते जाइए। बस दोस्तों चलिए फिर हम चार्ट पे देखते हैं कि इवनिंग स्टार कैसे दिखता है, लेकिन सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों। तो चलिए चार्ट पे देखते हैं, फिर से बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पहले नीचे लाल रेड बटन को दबाइए, देखिए मैंने रेड कलर की टी शर्ट पहनी है, इसलिए आप नीचे के रेड बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और हमारे YouTube चैनल घनश्याम टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, और लास्ट में अपना कमेंट मुझे ज़रूर छोड़िए। आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, कैसी वीडियो चाहिए, मैं उस तरह की वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए। दोस्तों जैसे आपको पता है कि हमारी प्रोफेशनल टेक्निकल एनालिसिस ट्रेनिंग की वीडियो चालू है, उसका ये वीडियो नंबर आज का है 18, कैंडलस्टिक पैटर्न जो अभी तक चल रहा है। अगर अभी तक आपने मेरे बाकी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं देखे हैं तो दोस्तों वो देख लीजिए। मैं म्यूचुअल फंड के बारे में भी कुछ जानकारियां दे चुका हूँ, आप उसको भी देख लीजिए। ट्रेडिंग रूल्स कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं आपको, ट्रेडिंग्स को रूल्स है ट्रेडिंग्स के, आप उसको पढ़िए। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मैं बोलूँगा आप कैंडलस्टिक की बाकी वीडियो को देखिए। दोस्तों जब आप देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, आपकी आंखें ट्रेंड होंगी, कंटिन्यू उसको देखते रहिए, आप करते रहिए उसी पे ट्रेड। तो आपको अगर ट्रेडिंग करनी है दोस्तों तो आपको ये समझना होगा कि आप पैटर्न को अच्छी तरह से समझें, क्या कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, पैटर्न को हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे बाइंग करना है, कब सेल करना है, आपको कंटिन्यू करना है। अगर आप कोई भी चीज़ को 2 दिन 4 दिन करके छोड़ देते हैं तो वो किसी काम की नहीं है। तो चलिए आज की जो हमारी कैंडल है दोस्तों वो है इवनिंग स्टार। अब दोस्तों देखिए इवनिंग स्टार कैंडल, आज हम बात करेंगे इवनिंग स्टार की, इवनिंग स्टार कैसे बनता है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्या उसकी साइकोलॉजी होती है। जैसे दोस्तों कि वो नाम से पता चल रहा है कि इवनिंग स्टार यानी शाम का तारा, यानी अब शाम होने वाली है। गाँव में पहले लोग देख के उससे अंदाज़ा लगाते थे इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। जैसे कि हमारी पिछली कैंडल अभी तक आपने नहीं देखी है मॉर्निंग स्टार की, तो आप उसको देख लीजिए। मॉर्निंग स्टार यानी सुबह का तारा, वो तारा सबसे लास्ट तक रहता था और सबसे चमकीला होता था, तो लोग पहले ज़माने के लोग उसको देख के समझ जाते थे कि अब सुबह होने वाली है, भोर हो चुका है।
यानी अब मॉर्निंग होने वाली है, इसलिए जापानी लोगों ने उसका नाम रख दिया उस कैंडल का मॉर्निंग स्टार, कि मतलब अब इस स्टॉक से या इस मार्केट से अब मंदी छटने वाली है, अब तेजी होने वाली है, तो उसको मॉर्निंग स्टार बोलते थे। उसी तरह ये इवनिंग स्टार है, आपको एक तारा शाम को आप देखेंगे जब लगभग उत्तर दिशा की तरफ में आप देखेंगे, तो शाम को एक तारा आपको बाकी तारों से पहले निकला हुआ दिखाई देगा, तो उसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। तो उसी तरह से ये कैंडल भी आपको स्टॉक में मंदी, मतलब ये दर्शाती है कि अब स्टॉक्स में तेजी खत्म होने वाली है, अब मंदी चालू होने वाली है स्टॉक्स में, इसलिए उस स्टॉक का नाम रखा गया इवनिंग स्टार। मतलब अब स्टॉक्स में तेजी करने वाले लोग यहाँ से जा चुके हैं, अब मंदी करने वाले लोग इस पे हावी हो जाएंगे। तो देखिए अब इस कैंडल को अब इसको देखिए, इवनिंग स्टार हमेशा टॉप पर बनता है, ये एक बुलिश पैटर्न बनेगा, एक बुलिश कैंडल चलती रहेगी, यानी एक स्टॉक जो होगा वो स्ट्रांग अप ट्रेंड में होगा, और अप ट्रेंड के बाद एक छोटी कैंडल बनेगी। वही कैंडल के कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ये किसी भी तरह की कलर हो, इस कलर के कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये छोटी कैंडल जो होगी इसको हम बोलते हैं स्टार कैंडल, ये हमारी कैंडल जो है वो है स्टार कैंडल, और इन तीनों कैंडल को मिला के बनता है इवनिंग स्टार। जैसे तीन कैंडल को मिला के मॉर्निंग स्टार बनता था, सेम वही चीज़ तीन कैंडल को मिला के यहाँ पर इवनिंग स्टार बन रहा। अब देखिए इवनिंग स्टार में इम्पॉर्टेंट है कि जो इसकी क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग के ऊपर इसकी ओपनिंग हो, इस कैंडल की ओपनिंग पिछली जो बड़ी ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर ओपनिंग हो और इसी के ऊपर वो क्लोज हो जाए, और अगले दिन की जो बेरिश कैंडल ओपन होगी वो कैंडल ओपन इसकी ओपन के नीचे ओपन होगी और इसी के नीचे क्लोज हो जाएगी। तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं, यानी आप समझ लीजिए कि जो मॉर्निंग स्टार है ये गैप अप ओपन होने चाहिए, और जो पिछली कैंडल जो जो अगली कैंडल जो रेड कैंडल बनेगी बेरिश कैंडल वो गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। यानी जो छोटी सी कैंडल है स्टार कैंडल है, वो स्टार कैंडल हमेशा गैप अप, उसके पहले वाली कैंडल गैप अप होगी और उसके बाद वाली कैंडल गैप डाउन ओपन होगी और बड़ी कैंडल बनेगी। जैसे ये बड़ी ग्रीन कैंडल है, ये बड़ी रेड कैंडल बनेगी, तो हमको हमेशा सेल करना है इस लो के नीचे, यानी इस लो के नीचे सेल करना है। अब दोस्तों देख लीजिए इसकी साइकोलॉजी क्या है, इस कैंडल की साइकोलॉजी देखिए। जैसे ये इवनिंग स्टार है, हमने पहले ही पढ़ा था हैंगिंग मैन, तो ये कैंडल अब एक तरह से हैंगिंग मैन बन चुकी है। अब देखिए ये कैंडल कहते ही हैंगिंग मैन बन चुकी है, ये देखिए ये इसका क्लोज, ये इसका लो, ये तीनों कैंडल में सबसे लो इसकी ये है, इस तीनों कैंडल में सबसे हाई इसका ये है इसलिए, और ये इस तीनों कैंडल में क्लोज है। तो ये देखिए इसका हमको एक बन गया, वो बन गया हमारा हैंगिंग मैन। तो ये तीन कैंडल का पैटर्न को मिला के हैंगिंग मैन बन जाता है वो, यानी जब हम इस तीनों कैंडल को देखेंगे तब ये कैंडल ऑलमोस्ट लगभग हैंगिंग मैन का रूप ले चुकी होगी, लेकिन हम तीनों को अलग अलग देख रहे हैं इसलिए ये इवनिंग स्टार है, लेकिन जब हमने तीनों को मिलाकर एक एनालिसिस किया तीनों कैंडल को, तो ये हैंगिंग मैन का रूप धारण करेगी। तो जैसे हैंगिंग मैन हमारे लिए बेरिश सिग्नल था, उसी तरह इवनिंग स्टार भी हैंगिंग मैन ही बन जाता है, तीन कैंडल को जब मिला देते हैं तो वो हैंगिंग मैन बन जाता है, और ये हमारे लिए बेरिश सिग्नल है, स्टॉक यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, स्टॉक एक स्ट्रांग अप ट्रेंड में हो, एक जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी हो, इस ग्रीन जो छोटी सी ग्रीन कैंडल है उसका गैप अप ओपन होना चाहिए, और जो अगले दिन रेड कैंडल ओपन होगी वो गैप डाउन ओपन होनी चाहिए। तो इस कैंडल को मिला के बनता है, ये तीन कैंडल के पैटर्न को मिला के बनता है इवनिंग स्टार। ये बहुत बेरिश कैंडल है दोस्तों, आप जब इसको चार्ट पर देखेंगे समझेंगे तो आपको कंटिन्यू इस पे एनालिसिस कीजिए, कंटिन्यू आप देखते रहिए, अपनी आंखों को ट्रेन कीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप चीज़ों को समझिए। देखिए स्टॉक मार्केट में पैसा इतनी आसानी से मिलता नहीं जितनी आसानी से लोग यहाँ सोच कर आते हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी तब आपको पैसा बनेगा यहाँ पे। उस मेहनत के लिए आपको एनालिसिस करने पड़ेंगे, कैंडल स्टिक एनालिसिस, मूविंग एवरेज, सारी चीज़ें आप एनालिसिस करने के बाद जाके एक परफेक्ट ट्रेडर बन सकते हैं। तो आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू वॉच करते रहिए, मैं आपको सारी पूरे टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो आपको बनाऊंगा और आपको दूंगा। हाँ इसमें टाइम लगेगा, 170 180 वीडियो बनेगी ये, तो टाइम लगेगा, धीरे धीरे साल डेढ़ साल में सारी चीज़ें मैं डालूंगा, लेकिन हाँ आप एक एक चीजों में परफेक्ट होते जाएंगे। अगर आपने हमारी वीडियो सही तरह से देखी दोस्तों, तो आप एक एक चीजों में बिल्कुल परफेक्ट होते जाएंगे। अगर
आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ, अगर आप लोग इसको देख के सिर्फ निकल जाते हैं तो शायद अच्छी बात नहीं। इसको आप देखिए और इसको शेयर कीजिए, आप अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंकेड, गूगल प्लस, जहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं। आपको कुछ करना है नहीं, एक क्लिक करके इसको शेयर करना है। तो प्लीज़ इसे एक क्लिक करके आप शेयर करते रहिए, दूसरों के पास ही जाती रहेगी, जिसको ज़रूरत होगा वो देखेंगे। तो बस दोस्तों ये करते रहिए आप लोग। चलिए अब हम चार्ट पे देख लेते हैं चार्ट पे कैसा दिखता है। चार्ट है डालमिया भारत का। देखिए स्टॉक स्ट्रांग अप ट्रेंड में है, ये स्टॉक को देखिए, यहाँ से स्ट्रांग अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है ये। अब देखिए स्ट्रांग अप ट्रेंड का मतलब ये, देखिए स्टॉक लगभग ऑलमोस्ट लगभग 680 से लेकर 900 तक स्टॉक गया और यहाँ पे एक इवनिंग स्टार मिल गई हमको। ये देखिए ये कैंडल जो हमारी है ये इवनिंग स्टार कैंडल है। देखिए स्टॉक अप ट्रेंड, बड़ी ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल के बाद ये देखिए गैप अप ओपन हुआ, स्टॉक हाई बनाया, आके क्लोज हुआ इसके ऊपर, यानी इसकी क्लोजिंग से ऊपर ही क्लोज होना चाहिए। देखिए इसकी क्लोजिंग से ऊपर ही स्टॉक क्लोज है। अब देखिए अगली कैंडल जो खुली वो गैप डाउन ओपन हुई, ये देखिए ये ओपनिंग है ये और ये बीच का डिफरेंस, ये ओपनिंग है, गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसको सस्टेन किया उसने, क्लोज इसने नीचे दिया। अब हमको सेल करना है इसके नीचे, अगर हम पोजिशनल ट्रेडर हैं तो हम इसके नीचे सेल कर रहे हैं और ये हमारा इसका टॉप से थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस लगा लीजिए। यानी टॉप अगर मान लीजिए इसका टॉप है, हाई इसने है 886.887 का है, तो आप 889 का इसका स्टॉप लॉस रख के आप इसको यहाँ पे सेल कीजिए। अब देखिए इसको हम यहाँ पे सेल करते हैं, सेल करने के बाद देखिए स्टॉक कितना अच्छी तरह से कहाँ तक नीचे आया, 670 तक वो स्टॉक वापस आया। ये लो देखिए 660 का इसने लो लगाया ऑलरेडी। तो ये है इवनिंग स्टार, एक स्ट्रांग अप ट्रेंड मिला, देखिए स्ट्रांग अप ट्रेंड, ये स्ट्रांग अप ट्रेंड मिला आपको। स्ट्रांग अप ट्रेंड के बाद ये हमको हमारी कैंडल मिली और उसके बाद देखिए इस कैंडल में गैप अप ओपनिंग दिया है। ये देखिए ये स्टॉक ने हमको ये देखिए गैप अप ओपनिंग मिली और उसके बाद ये देखिए ये गैप अप गैप डाउन भी ओपनिंग मिली। यहाँ पे अगले दिन जब रेड कैंडल बननी थी तो गैप डाउन ओपनिंग मिली और स्टॉक देखिए क्या अच्छी तरह से कहाँ से टूटते हुए नीचे आया। हमने यहाँ पे इसको सेल किया, ये देखिए कहाँ तक आया इसको। तो ये होता है मॉर्निंग, सॉरी, तो ये है कैंडल हमारी इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार को इस तरह से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अपनी सबसे पहली बात है आप चीज़ों को समझिए, कहाँ पे सेल करना है, क्या सही जगह है सेल करने की, क्या बाइंग करने की सही जगह है। आपको इसकी एनालिसिस बिल्कुल सही तरह से होनी चाहिए और होने के बाद आप कॉन्फिडेंट आपको सेल करना है या आपको बाइंग करना है। जब आपको पैटर्न आपका मिल गया तो उसके बाद आप कंटिन्यू उसको बाइंग या सेल कीजिए। सिर्फ आप देखेंगे तो आपको उसके कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है दोस्तों। तो सिर्फ आप देखिए मत, आप चीज़ों को कीजिए। अब देखिए इसी कैंडल में मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखिए स्टॉक कहाँ तक आया, 690 तक। अब स्टॉक ने देखिए एक यहाँ पे क्या बनाया, ये हैमर बनाया, स्टॉक ने एक हैमर बनाया। देखिए हम लोग पिछली कैंडल पढ़ चुके हैं, देखिए स्टॉक एक, इसमें दो पैटर्न हमको मिल गए। यहाँ तो हमको इवनिंग स्टार मिल गया और ये देखिए नीचे हमको एक हैमर मिल गया। हैमर जो पिछली, आपने अगर कैंडल स्टिक पैटर्न में मेरी हैमर को नहीं पढ़ा तो आप हैमर को जाके देखिए कैंडल को। ये देखिए हैमर बनी और हैमर देखिए स्ट्रांग डाउन ट्रेंड के बाद ये हैमर बना, यानी ये 900 से स्टॉक 600 आ गया उसके बाद एक हैमर बना और ये हैमर को देखिए, इस हैमर को हम तीसरी कैंडल के ऊपर बाइंग करते हैं। यानी हम यहाँ कहीं पे बाइंग करेंगे और ये हैमर देखिए आपको इस स्टॉक को लेके कहाँ तक गया, ये देखिए 1500, 1800, देखिए अभी तक कितना अच्छा अप ट्रेंड मिला। तो स्टॉक्स को आप इसी तरह से जब पिक करेंगे, आप उस पर कॉन्फिडेंटली ट्रेड करेंगे तब आपको पैसा बनेगा। अगर आप सिर्फ देखते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। मैंने जैसे कि बताया, जब मान लीजिए यहाँ पे हमने इसको बाइंग किया, इस हैमर को हमने यहाँ पे बाइंग किया तो एक स्टॉक नया लो बनाएगा हमेशा, उस लो को हम स्टॉप लॉस करें, ये हमारा स्टॉप लॉस, फिर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस, स्टॉक ने एक लो बनाया ये हमारा स्टॉप लॉस, फिर ये हमारा स्टॉप लॉस। अब स्टॉक हाई बनाया, लो बनाया, यहाँ पे ये हमारा स्टॉप लॉस। देखिए हमारे लो कहीं भी हमारा लो टच ही नहीं हो रहा कि जिससे हमारा स्टॉप लॉस हो। अब हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हो गया इस कैंडल पे। अब देखिए ये जाके स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं आपका स्टॉप लॉस, यानी 600 का स्टॉक अगर आपने बाइंग किया होता सही जगह पे तो आपको 1700 पे आपका स्टॉप लॉस, यानी 1700 पे आप जाके कहीं पे निकलते इसको। तो दोस्तों इसी तरह से आप चीज़ों को समझिए, चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए, बाकी चीज़ें मैं आपको बताता ही रहूँगा। तो आप चीज़ों को समझिए, आप ट्रेड कीजिए, कंटिन्यू ट्रेड कीजिए, छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आपका कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप उसको ट्रेड करेंगे। आप, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पेपर ट्रेड बिल्कुल ना करें। पेपर ट्रेड में आपके इमोशन, फेयर और ग्रीड शामिल नहीं होते, जबकि आप रियल ट्रेड करते हैं उसमें आपके इमोशन शामिल होते हैं। तो आप रियल ट्रेड कीजिए दोस्तों, और
फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ 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 उसे सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद।